ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଇଏ ଏମିତି ହିଁ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ମାଟି ରହିଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଥର ରହିଛି, ଗଛ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମାଟି ଧସିଛି, ତାର ଉପର ପର୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଧସିଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଛ ରହିଛି, ଘାସ ରହିଛି, କିଛି ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମାଟି ଅଛି, ଏ ମାଟି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠି ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଘର ଆଗରେ ଡେଞ୍ଜରର ଚିହ୍ନ, ଯୋଶୀ ମଠର ଶହ ଶହ ଘର ଏବେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ। ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରିଥିବା ଘରରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। जिंदगी के भर मेरे भाई ने जितना कमाया यही लगाया, अब भी लग रहा है, अभी देखो नीचे। हाँ, आज सरकार ने ऐसा धोखा दिया, ये एंटी पीसी वाले नहीं रहते थे, ये ऐसा दशा नहीं होता था। पर नहीं है, तोड़ने के लिए निशान लगा दिया। अच्छा, निशान नहीं है, अब कहाँ जाएगा। अभी उन्होंने 2 महीने पहले ऊपर बनाया था, हमें तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज क्या करें, सब बर्बाद हो गया, सारा खत्म हो गया। एपटे संकट टाळीबा को चली गुरुत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव अध्यक्षतार होता बैठक पर डेंजर जोन में होटेलगुड़ी भांगा को सहयोग करने को अनुरोध कर प्रशासन। लोकं प्रथमे सुरक्षित स्थान को नेबा को दिया जाउची प्राथमिकता, घर छाड़ जा लोक सहायता दि जाऊँगी मुख्यमंत्री सचिव। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सहित अनेक केन्द्रीय संस्था घटनास्थल में पहुंच स्थित अनुधान करने प्रतिकूल परिस्थितर मुकबिला प्रस्तुत रही। जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं, जो जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो, ये हमारी प्राथमिकता है। केवल जोशी मठ नुह, यार ऊपर भाग में रही कर्णप्रयाग में फाट सृष्टि। स्थानीय लोकंक कहिबा कथा बर्षे हेबो एभली फाट सृष्टि होईछि, आसबाब पत्र धरी लोके सुरक्षित स्थान को जाउछन्ती। खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य स्थिति उपरे नजर रखिबा सह मुख्यमंत्री को ठारु प्रतिटी अपडेट नउछन्ती। यहां सिविल पुलिस की, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम और सीबीआरआई की जो एक्सपर्ट टीम है, जिसको भवन को डिसमेंटल करने में जो सहयोग कर रही है, वो सभी लोग यहां आ चुके हैं। और जो ओनर हैं इस बिल्डिंग के, उनसे भी वार्ता चल रही है। कुछ बिंदुओं पर उनके रिजर्वेशंस थे, वो बिंदु अब करीब करीब समाप्त हो गए हैं। उसके उपरांत इसकी इस बिल्डिंग के डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तेबे हिमालय अंचल रे जनवसति वृद्धि, बड़ बड़ होटल जगु एपरी विपद आसीछि बोली कहिछन्ति ज्योति मठर प्रभारी वशिष्ठ ब्रह्मचारी। कि जोशीमठ सर एक लैंड स्लाइडिंग के ऊपर बसा हुआ शहर है। अच्छा। यहाँ इसकी पहाड़ की अपनी क्षमता है, अपने ढोने की क्षमता है। यहाँ पर जो पुराने, अभी आप देख रहे होंगे, ये जो प्राचीन मूल जोशीमठ पर, यहाँ पर कुछ कुछ मकान ऐसी हैं जो पुरानी मकान है। उन मकानों में कुछ आपके सामने 500 साल पुरानी बिल्डिंग ये खड़ी है, ये मठ आप देख रहे हैं। इस मठ में कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। प्रकृति के साथ में जब जब भी कोई छेड़छाड़ करता, प्रकृति के साथ जब भी कोई छेड़छाड़ होगी, तो प्रकृति तो अपना स्वरूप वापस ले ही लेती। जोशीमठर अंचल में मेघुआ पाग एवं किसी स्थान में वर्षा लोकों समस्या को दुईगुण कर अधिक वर्षा हेले स्थिति बिगड़बार आशंका रही। उत्तराखंड जोशीमठर कैमरा पर्सन आदित्य पंडा गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।